Good afternoon, girls. Today we are going to see octal fraction into binary fraction and vice versa. Means again octal fraction. Yeah. So we will start with binary fraction. Suppose I have a number 0.7631 of octal, and now I have to convert it into binary. A very simple method. Remember the table which we have learned in octal to binary conversion? That is for 0000, for 1001. I'll write it down here. For octal 0, we have 3 binary zeros. For octal 1, we have 001. Then for octal 2, we have 010. For 3, it is 011. For 4, it is 100. For 5, 101. For 6, 110. And for 7, 111. Yeah. Digit 7 से बड़ा कोई नंबर नहीं है ऑक्टल में. उसका रीजन भी हम पहले बता चुके हैं. बेस है ऑक्टल का 8. और नंबर ऑफ डिजिट्स ऑक्टल में 8 ही होंगे ऑक्टल नंबर सिस्टम में. और नंबर डिजिट्स स्टार्ट होते हैं 0 से, तो 0 टू 7 अगर आप काउंट करें तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हो गए? 8. क्लियर? तो इस टेबल को अगर हम ध्यान में रखें तो वी हैव 0.7631. सो फॉर दिस पर्टिकुलर ऑक्टल नंबर, फॉर 7 वी विल राइट डेसिमल 111 फ्रॉम हियर. Then we will, for 6, we will write 110. For 3, we will write 011. And for 1, we will write 001. Clear? So, simply in sare digits ke binary equivalent ko likh dene se, hamara ye particular jo number hai, wo convert ho jata hai binary fraction mein. Clear? ऐसे ही अगर मैं बात करूं, कोई और नंबर ले लेते हैं. सपोज आई हैव 5324 ऑफ ऑक्टल, तो 5 के लिए मैं 0.101. डेसिमल बहुत जरूरी है, याद रखिएगा. फ्रैक्शन नंबर है, बिना डेसिमल के कन्वर्ट मत कीजिएगा. 0.101. देन फॉर 3 011, फॉर 2 इट इज 010, एंड फॉर 4 इट इज 100. सो इट इज कन्वर्टेड इनटू बाइनरी. क्लियर? अब अगर मुझे वाइस वर्सा करना है तो क्या है? वाइस वर्सा मींस बाइनरी फ्रैक्शन मुझे दिया है, मुझे ऑक्टल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. तो सपोज आई हैव अ बाइनरी फ्रैक्शन 0.10011010110110. क्लियर? रैंडम बिट्स ले लिए, आई डोंट नो नंबर क्या आएगा. तो जैसा हम लोग ने नॉर्मल ऑक्टल नंबर को किया था, वहां हम क्या कर रहे थे? वहां राइट टू लेफ्ट 3-3 बिट के ग्रुप्स बना रहे थे. ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. अच्छा, इसको ऐसे भी समझ लीजिए, एक्सेस पे हम आपको थोड़ा सा समझाते हैं. दिस इज 0. क्लियर? यहां से मेरे निगेटिव नंबर्स स्टार्ट हो रहे हैं और यहां से पॉजिटिव नंबर्स स्टार्ट हो रहे हैं. ठीक है, ये नॉर्मल आपको ये चीज पता है. लेकिन ऐसे ही एक और चीज होती है, अगर मैं यहां पर इसको 0 ना कहूं, मैं इसे कहूं डेसिमल या फ्लोटिंग पॉइंट. इस एक्सेस में मैं इस तरह से रखूं कि दिस इज पॉइंट डेसिमल, ये जो सेंटर है दिस इज डेसिमल. तो इधर की ओर जो लिखे जाएंगे दैट इज फ्रैक्शन नंबर्स, और इधर की ओर जो लिखे जाएंगे दैट विल बी होल नंबर्स और इंटीजर्स. ठीक है, तो ये हमेशा याद रखिएगा. इसी वजह से जब मैं होल नंबर्स की ग्रुपिंग कर रहा था तो आई स्टार्ट विथ राइट एंड मूव टू लेफ्ट विथ 3 bit each. अब अगर मैं फ्रैक्शन पार्ट को कन्वर्ट करूंगा तो स्टार्टिंग फ्रॉम डेसिमल दैट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मैं पेयर बनाऊंगा या ग्रुप बनाऊंगा 3 bits के. ठीक है, तो यहां से अगर मैं देखूं तो ये 3 bit मैंने ले ली, फिर ये 3 bit ली, ये 3 bit ली, ये 3 bit ली. अब यहां पर मेरी 1 bit कम पड़ रही है तो आई प्लेस 0. ठीक है, इधर की ओर अगर मैं होल नंबर में इधर 0 बढ़ा रहा हूं तो 0 की कोई वैल्यू नहीं है. और ऐसे ही अगर मैं राइट हैंड साइड पे 0 बढ़ा रहा हूं फ्रैक्शन नंबर में तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, मल्टीप्लाई होकर 0 ही आएगा. फाइन,
तो इसको अगर मैं करूं तो ये आ जाएगा, यहां से देखें इट इज फोर, दिस नंबर इज फोर, देन दिस इज सिक्स, देन फोर, देन फाइव, देन फोर, एंड द नंबर इज डेसिमल 46454 ऑफ ऑक्टल. वी विल सी वन मोर एग्जांपल लाइक 110000111001001101. क्लियर? बाइनरी नंबर है, इसको कन्वर्ट कर रहे हैं हम ऑक्टल में. लेट्स सी, थ्री बिट, थ्री बिट, थ्री बिट, थ्री बिट, थ्री बिट एंड थ्री बिट. दिस इज 60705 ऑफ ऑक्टल. क्लियर? आई सपोज आपको क्लियर हुआ होगा ये क्या है. तो आई विल गिव क्वेश्चंस एंड यू ट्राई टू सॉल्व देम एंड रिवर्ट मी बैक. आई विल गिव 5 क्वेश्चंस फॉर ईच. क्लियर? सो फॉर ऑक्टल आई विल राइट ऑक्टल टू बाइनरी हियर. फर्स्ट क्वेश्चन इट इज 0.4102 ऑफ ऑक्टल टू बाइनरी. सेकेंड क्वेश्चन 0.167 ऑफ ऑक्टल टू बाइनरी. थर्ड 0.447 ऑफ ऑक्टल टू बाइनरी. फोर्थ क्वेश्चन 0.5614 of octal to binary, and fifth question 0.36410 of octal to binary. Clear? Yeah, this is octal to binary, and for binary to octal I will write here binary to octal. First question is 110101101 of binary to octal. Second question 111111001 of binary to octal, that is decimal, decimal. Third question 0.101110101010 of binary to octal. Fourth question 0.10000001011 of binary to octal. And last question, that is number 5, is 0.111101101 of binary to octal. So this is the whole exercise, girls. Try to solve the question as early as possible. These are very simple questions. You can orally do these questions if you remember the table which was written over here. Clear? Thank you so much. If you have any doubt, please do WhatsApp me. Clear? Thank you so much, girls.